स्कूल टाइम पे जिस लड़के को ब्लैकबोर्ड साफ करने वाला डस्टर रखने को मिल जाता था, वह खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता था। जब जिंदगी नाच नचाती है ना, तब ढोलक बजाने वाले लोग आपके आसपास के और रिश्तेदार ही होते हैं। एक जिम सेंटर के बाहर लिखा था, शरीर को इतना मेंटेन रखो कि लोग तुम्हारा जनाजा उठाते वक्त गालियां ना दे। पति पत्नी की जोरदार लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह से झगड़ना अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। पति बेहोश। पड़ोसी होते ही है धोखेबाज, वो चाहे देश के हो या घर के पास के। बात खत्म। दुनिया की कोई भी ताकत भारत वालों को रोक नहीं सकती, बस रास्ते में भंडारा नहीं होना चाहिए। मैडम, दीपक बेटा, घर की परिभाषा बताओ। दीपक, मैडम जी, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं, जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं, जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं, जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं, और जिन घरों के लोन की किस्तें भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं, और जिन घरों में ये भी नहीं पता होता कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अब मैडम ने स्कूल से संन्यास ले लिया है। एक बार किसी दुकान पे एक इनकम टैक्स वाला आया। इनकम टैक्स ऑफिसर, तुम्हारी हिसाब की सब फाइल दिखाओ। दुकान मालक, वो सब घर पे है। इनकम टैक्स ऑफिसर, लेकर आओ। दुकान मालक, घर दूर है। इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर भी लेके आओ। दुकान मालक, सर आपके स्कूटर की चाबी दीजिए। इनकम टैक्स ऑफिसर, यह लो और जल्दी आना। दुकान मालक गया तो शाम 7 बजे तक नहीं आया, तो ऑफिसर गुस्सा होके बैठा था। तभी दुकान मालक घूम फिर के आराम से आया, तब तक पूरा पेट्रोल लगभग खत्म हो गया था। इनकम टैक्स ऑफिसर, कहाँ गए थे? दुकान मालक, पहले मेरी बात का जवाब दो, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इनकम टैक्स ऑफिसर, बोलो। दुकान मालक, आप कितने बजे से दुकान पे बैठे हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर, सुबह 10 बजे से, क्यों पूछ रहे हो? दुकान मालक, कितने ग्राहक आए? इनकम टैक्स ऑफिसर, कोई नहीं आया। दुकान मालक गुस्से से, जब ग्राहक ही नहीं, धंधा ही नहीं, तो काहे का इनकम और काहे का टैक्स? चल भाग यहाँ से। किसी एक छोटे से गांव में एक बच्चा बिट्टू रहता था। उसके स्कूल के बच्चे उसको हमेशा उल्लू बोल के चिढ़ाते थे और उसकी क्लास टीचर उसकी बेवकूफियों से हमेशा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसकी माँ उसका रिजल्ट जानने उसके स्कूल गई और टीचर से बिट्टू के बारे में पूछा। टीचर ने कहा कि अपने जीवन के 30 साल के कार्यकाल में उसने पहली बार ऐसा बेवकूफ लड़का देखा है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुन बिट्टू की माँ बहुत आहत हो गई और उसने शर्म के मारे वो गांव छोड़ के एक शहर में चली गई। बिट्टू को लेके 15 साल बाद जब उस टीचर को दिल की बीमारी हुई तो सबने उसे शहर के एक डॉक्टर का नाम सुझाया जो ओपन हार्ट सर्जरी करने में माहिर था। टीचर ने जाके सर्जरी करवाई और ऑपरेशन कामयाब ही रहा। जब वो बेहोशी से वापस आई और आँख खोली तो टीचर ने एक सुंदर और बलवान नौजवान डॉक्टर को अपने बेड के बगल खड़े होके मुस्कुराते हुए देखा। वो टीचर डॉक्टर को शुक्रिया बोलने ही वाली थी, अचानक उसका चेहरा नीला पड़ गया और जब तक डॉक्टर कुछ समझते वो टीचर मर गई। डॉक्टर अचंभे से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी वो पीछे मुड़े और देखा कि बिट्टू, जो कि उसी अस्पताल में एक वार्ड बॉय था, उसने वेंटिलेटर का प्लग हटा के अपने मोबाइल का चार्जर का प्लग लगा दिया था। अब अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि बिट्टू डॉक्टर बन गया तो इसका मतलब है कि आप हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं। बिट्टू उल्लू था और उल्लू ही रहेगा।
किसी गांव में एक इंजीनियर की टीम एक बेहद टेढ़े मेढ़े पाइप से तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 10 दिन से यह सब देख रहा था। 10वें दिन वह बोला, मैं करूँ साहब। वह बोले, हम 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा, चल तू भी कोशिश करके देख ले। गांव वाला बोला, ठीक है साहब। उसके बाद गांव वाला खेत में गया और वहां से एक चूहा लाया, उसकी पूंछ में तार बांधा, चूहे को पाइप में डाला, चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल गया। तब उन इंजीनियरों को पता चला कि डिग्री विग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, भारतीय जुगाड़ ही अव्वल नंबर पे है। मम्मी अगर कहे इधर आओ नहीं मारूंगी, इस बात पे यकीन कर लेना, मगर जब कोई लड़की कहे मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, इस बात पे कभी यकीन नहीं करना। एक सच बात, विवाह से चूड़ी होती है जिंदगी की सारी खुशियाँ। अगर पति सही मिल जाए तो जन्नत यही है, वरना नरक के सारे द्वार यही खुल जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो